वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ जो गणेश जी को बहुत पसंद है और सबसे पहले आप सबको विश करना चाहती हूँ बहुत बहुत तो जो गणेश जी को बहुत पसंद है तो मैं सुबह सुबह ये तैयार कर रही हूँ गणेश जी के लिए भोग लगाने के लिए तो इस तरह से मैंने दूध ले लिया है गुनगुना दूध है फ्रेंड्स और यहाँ मैंने ले लिया है केसर फ्रेंड ये टोटली ऑप्शनल है बट केसर अगर आप डालते हैं किसी भी में तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है तो केसर को मैंने यहाँ डिप कर लिया है ताकि इसका रंग इसमें आ जाए दूध में और अब मैं ले लूंगी फ्रेंड्स सूजी जी हाँ फ्रेंड्स हम रवे के लड्डू बना रहे हैं मैंने यहाँ दो कटोरी सूजी ले ली है आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं तो यहाँ मेरी सूजी पतली है अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो आप एक बार उसे मिक्सी में डाल के चला लें एक कप दूध ले लिया है फ्रेंड्स दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि यहाँ मेरा एक कप के करीब लगने वाला है दूध और आपकी अगर सूजी मोटी है तो वो शायद ज्यादा भी ले सकती है इसलिए आपको इसका आटा गूथ लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ही आप दूध डालें और ये जो केसर वाला दूध है ना ये भी जरूर डालिएगा इसके अंदर तो देखिए मैंने मिक्स करते करते अब मैं ये केसर वाला दूध भी डाल दिया है तो इसका रंग कंप्लीटली चेंज हो गया है यानी कि एकदम लाइट येलो कलर आ गया है इसमें तो इस तरह से गूथ लेना है आपको अच्छी तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं देखिए यहाँ केसर का रंग भी आया है पंद्रह मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं पंद्रह मिनट बाद आपको फिर से एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से इसे मसल देना है आप देख सकते हैं सूजी ने सारा दूध अच्छी तरह से पी लिया है और ये फूल चुकी है तो इस तरह से आपको एक लोई ले लेनी है और इसकी छोटी छोटी लोई ले के आपको इसकी पूरियां बनानी है आपको बेलना नहीं है फ्रेंड्स आपको हाथ से ही इसी तरह से पूरिया बनानी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं बेलेंगे तो पतली हो जाएगी फिर ये जल सकती है इसलिए हम इस तरह से करेंगे वैसे आप बेल भी सकते हैं मोटा और इस तरह से भी मुझे कन्वीनियंट लगता है तो मैं इस तरह से करूंगी जो ट्रेडिशनल तरीका है तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है ये देखिए छोटे छोटे आपको बना देने हैं पूरिया टाइप्स तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी पूरी कर ली है और इस तरह से आपको होल कर लेना है कांटे चमचे के हेल्प से फॉक के हेल्प से इस तरह से आप होल कर ले इसका मैं आपको रीजन बताऊंगी बाद में तो इस तरह से आपको कर लेना है और एक बार जो मैंने कढ़ाई ले लिया है और इसके अंदर देसी घी डाल दिया है और इसको मैं ऑन कर लूंगी गैस को और इसको गर्म होने देते हैं फ्रेंड्स जब भी आप कोई चीज इसमें डालें तलने के लिए तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए तो ये भी एक टिप है फ्रेंड्स क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ठंडा होता है तो सारा तेल या घी पी लेता है तो यहां मैंने घी यूज़ किया है आप भी घी ही यूज कीजिए इससे इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये है जो हमने प्रिपेयर किया है ना ये आप इस तरह से डाल दें और धीमी आंच पे हमें इसे सेकना है जब तक कि ये एकदम ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए तो इस तरह से सेकना है होल हमने इसलिए किया है क्योंकि ये फूले नहीं यानी कि पूरिया ना बन जाए इसकी और दूसरा कि ये बीच बीच में भी अच्छी तरह से सेकी जाए तो इस तरह से आपको बीच बीच में इसको हिलाते जाना है और इसका कलर चेंज होने तक आपको इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पे सेक लेना है फ्रेंड्स तो इस तरह से सेक लेना है तो ये देखिए तब तक मैंने दूसरा लॉट भी बना लिया है जब तक कि ये सिक रही थी हमारी पूरी तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है और दूसरा लॉट भी अब मैं लगा देती हूं यहाँ तलने के लिए तो इस तरह से आप सात आठ डिपेंड की आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है देखिए यहाँ मैं डिफरेंस बता रही हूँ इसका कलर और इसका कलर अब ये गरम है फ्रेंड्स बट आप इसको आधा तोड़ के रख दीजिए ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए तो इसको अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ ठंडे हो गए हैं फ्रेंड्स ये ठंडा होने के बाद ही हमें इसे पीसना है फ्रेंड्स तो इस तरह से और छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसको मिक्सी जार में ले रही हूँ और हमें इसे पीस लेना है इससे एकदम दानेदार आपके सूजी के लड्डू बनेंगे देखिए इस तरह से पीस लेना है छन्नी की हेल्प से मैं यहाँ छानूंगी फ्रेंड्स ताकि कोई भी बड़ा टुकड़ा ना आए तो ये स्टेप भी आप जरूर करिएगा फ्रेंड्स आपके सूजी के लड्डू इस बार परफेक्ट बनने वाले हैं गारंटी है मेरी देखिए कितना महीन आया है तो यहां मैंने पीस लिया है अब मैंने इसमें डाल दिया है इलायची और जयफिल का पाउडर साथ ही मैं काजू बादाम और मैंने पिस्ता की शेविंग्स इसमें डाल दी है आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना है आप इसमें डाल सकते हैं चीनी ले लिया है मैंने एक कटोरी और आधी डेढ़ कटोरी चीनी ले ली है मीठा आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं एक कटोरी के करीब इसमें जाएगा घी पिस्ता की शेविंग्स भी ले ली है मैंने ऊपर डेकोरेट करने के लिए और काजू बादाम भी थोड़े से रख दिए हैं मैंने और एक प्लेट ले लिया है सर्विंग के लिए इन सारी चीजों को पहले आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स जैसे मैं वीडियो में बता रही हूं इसको हमने घी में तला है इसलिए अब इसमें कम घी जाएगा फ्रेंड्स बट आपको सबसे पहले इन सारी सूखी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको घी डालना है तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके घी डालिए कि जब तक कि लाडू बनने की कंसिस्टेंसी ना आ जाए तो इस तरह से डालना है इसमें केसर डाला है इसका टेस्ट इतना एनहेंस हो जाता है फ्रेंड्स लड्डू में आप बिलीव नहीं करोगे और बहुत ही इजी है ये लड्डू बनाना थोड़ा सा घी में और डाल रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ दो ही चीजों से सूजी और चीनी से हमने बनाया है ये लड्डू और घी में ही बनाइएगा फ्रेंड्स तेल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करिएगा तो देखिए अब मेरा अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है तो चलिए लड्डू बना लेते हैं इस तरह से आपको लड्डू बना लेना है और इसके ऊपर आप डाल सकते हैं पिस्ता की शेविंग इस तरह से देखिए या काजू बादाम किशमिश भी रख सकते हैं आप मैं यहाँ पिस्ता लगा रही हूँ तो देखिए हमारे परफेक्ट लड्डू रेडी हैं इसी तरह से आपको सारे लड्डू बना लेने हैं ये थोड़ा पेशेंस का काम है फ्रेंड्स तो यहां मैं आपको एक दो बता के बाद में मैं बैठ जाती हूं और बैठ के सारे लड्डू बना लेती हूं तो देखिए ये दूसरा भी बन गया आप चाहे तो ऊपर किशमिश भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सूजी का लड्डू इसका कलर इतना बढ़िया आता है बिकॉज ऑफ केसर तो ये देखिए तो इसी तरह से सारे लड्डू आप बना लें देखिए मेरे लड्डू तो बनके रेडी है और मैं भोग लगाने वाली हूँ हमारे गणेश जी को गणेश जी को ये लड्डू बहुत ज्यादा पसंद आते हैं मैं हर साल ये लड्डू बनाती हूँ इस बार सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसका रंग भी एकदम बढ़िया आया है परफेक्ट रोस्ट होते हैं क्योंकि हमने इसे घी में फ्राई किया हुआ है तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि आपकी रेसिपी गलत हो सके इसमें हमने पाउडर शुगर डाला है तो यहाँ चाचनी वाचनी का भी कोई झंझट नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि अगर गलत हो जाए तब भी आपके लड्डू कड़क हो सकते हैं या नरम हो सकते हैं बट इस तरह से अगर आप करते हैं आपके लड्डू हंड्रेड परसेंट परफेक्ट बनेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और केसर की के वजह से इसका रंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आया है तो आप भी गणेश जी के लिए जरूर बनाए इस टाइप के लड्डू और सब लोग एंजॉय भी कीजिए ये बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं और परफेक्ट बनते हैं इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेन में जब तक कि ये फिनिश ना हो क्योंकि हमने इसे देसी घी में अच्छी तरह से बनाया हुआ है तो ये खराब होने के भी चांसेस नहीं होते जैसे कि आप अगर चाचनी वाले बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं कैसी लगी ये रेसिपी जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय 안